छिंदवाड़ा के दमुआ में पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले एक युवक को पकड़ा और उसके पास से 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस इस युवक के जरिए इस गोरख धंधे की धरपकड़ कर उसके थर तक जड़ तक जाने की कोशिश में लगी हुई है। छिंदवाड़ा के दमुआ में पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक युवक को झिरम घाटी के पास से गिरफ्तार किया। उप पुलिस अधीक्षक राहुल कटारे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि सारणी की ओर से सिल्वर कलर की कार अवैध शराब लेकर दमुआ की ओर से आ रही है। घेराबंदी कर कार को रोका गया। गाड़ी की तलाशी पर डिक्की में 7 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस मामले में आयान खान को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। कल गश्त के दौरान और भ्रमण के दौरान बहुत सी सूचनाएं मिल रही थी कि अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। तो कल सुबह जब हम निकले यहाँ से थाने से रवाना होकर, तो एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक गोल्डन कलर की एक एक्सेंट गाड़ी है, MP13C0380 नंबर है उसका, जिसमें सारणी से कोई अवैध शराब परिवहन करके ले जा रहा है। तो हम लोगों ने जब मुखबिर सूचना में पहले तो उसका पंचनामा बनाया और फिर रवानगी जलाकर हम लोग उसी क्षेत्र में जो रामपुर क्षेत्र साइड से आ रही थी सारणी रोड, वहां पर गए। फिर जब रास्ते में गए तो वहां क्या मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है, तो जब ये रामपुर से क्रॉस हुई तो गाड़ी हमको पता नहीं चल पाया क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं था, तो हमारे मोबाइल पर फोन नहीं लग पा रहे थे। फिर एकदम से ये गाड़ी हमारे बाजू से क्रॉस हुई, हमने इनको रोका तो ये रुके नहीं, फिर घेराबंदी किए इनकी, मुखबिर को साथ लेकर, सब गवाह जो थे उनको साथ लेकर घेराबंदी की। तो ये लोग गाड़ी रोक कर भाग गए, गाड़ी रुक कर भाग गए, तो एक को तो हमने पकड़ लिया। एक दूसरा जो इसका साथी था वो जंगल में भाग गया। पहला जो आरोपी है ये आयान नाम है इसका, इसके पिता आरिफ हैं, ये शंकर नगर परतला का निवासी है, छिंदवाड़ा का रहने वाला है और इसके ये पुराने भी एक दो छोटे मोटे प्रकरण दर्ज है। और इसका कहना है कि ये लॉकडाउन में भी शराब सप्लाई करता था, ये पेटियों से शराब लाता है बाहर से इटारसी में, चूंकि कम दाम में मिलती है तो इसने वहां से शराब खरीदी। ये कल ही गया था, परसों ही गया था वहां, कल इसने रात भर वहां रुका, सुबह निकला था ये और शराब लिया, और फिर जैसी हमको सूचना मिली हमने इसको दबिश देकर पकड़ लिया। इसके पास लगभग 62 लीटर लगभग शराब, इसके पास 61.98 लीटर कुछ शराब है इसके पास, वो जब्त की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।